हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको एक रेडियो में और OX केबल किस तरह फिट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक सिंपल रेडियो है, इसे हमें खोल लेना है। तो ये रेडियो खुल चुकी है। इस रेडियो में बैटरी किस तरह फिट करनी है, इसे रिचार्जेबल कैसे बनाना है उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैंने इसे पहले ही बना रखा था, रिचार्जेबल तो खैर। तो ये रहा उसका सर्किट डायग्राम। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक ऐसा जैक, इसमें दो तार प्लस माइनस, इस तरह की एक एलईडी और एक रेजिस्टेंस, ये 1K की है। इसकी प्लस पॉइंट पे लगेगी इधर और इधर, और यही दो तार कंटिन्यूस बैटरी में चले जाएंगे। तो इसमें तो बीच में एक, लेकिन बैटरी से जाने से पहले एक 4007 का डायरोड है। ये डायरोड पहले जैक से डायरेक्ट डायरोड के अंदर आएगी। ये इसका एनोड है, कैथोड है, इस पे सिल्वर कलर की पट्टी होती है। ये बैटरी की तरफ प्लस में चली जाएगी इस तरह से। तो ये तो हमारा इसके रिचार्जेबल फिटिंग इस तरह से कर लेना है। इसमें सुराख उराख बना कर अब हम इसके मेन मुद्दे पर आएंगे। हम पहले इस रेडियो चालू करके देखेंगे। ये हमारा चालू है रेडियो। रुचिकर और ज्ञानवर्धक पाया। चीन की एक महिला को ऑनलाइन खरीदी में एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स के बजाय एप्पल जूस का भेजा जाना ऑनलाइन खरीदारी के खतरों के प्रति चेतावनी है और सभी को इससे सतर्क रहना चाहिए। वहीं तो रेडियो हमारी चालू है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको यहाँ से काट के इसमें एक ऐसा स्विच फिट कर देना है। ये एक इस तरह का स्विच फिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो तार इसकी इस वाली पिन पर आ रहा था वॉल्यूम की, गौर से देखो, जो तार प्लेट सर्किट से इस पिन पा रहा था, हमें इसे हटा देना है। इसे हटा के हम रेडियो की इस 1619 IC से वॉल्यूम कंट्रोल दो तरह से की जा सकती है। एक तो पिन नंबर 5 से तथा दूसरी 24 और 25 से। अगर पिन नंबर 5 से वॉल्यूम कंट्रोल करनी हो तो वॉल्यूम कंट्रोल इस तरह लगाया जाता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये वॉल्यूम ग्राउंड इधर होएगा अगर पिन नंबर 5 से वॉल्यूम कंट्रोल लगाना है तो। और यदि पिन नंबर 5 से जब वॉल्यूम कंट्रोल लगाएंगे तब हम 24 और 25 के बीच एक 100 NF का, यानी 100 NF जिस पे 104 लिखा हुआ होगा, उस कैपेसिटर को इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे तथा इसी से एक 103 नंबर जिस पे 103 लिखा हुआ होगा 10 NF का कैपेसिटर अर्थ कर देंगे, यानी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर चला जाएगा। तो ये तो हो गया पिन नंबर 5 से। तथा जब हम 24 और 25 से वॉल्यूम कंट्रोल लगाएंगे तब हम इस पिन को सीधे ही ग्राउंड कर देंगे। और 24 और 25 के बीच में हम क्या करेंगे, 24 नंबर इधर आएगा इस इधर, और 25 नंबर इधर बीच में आएगा और ये ग्राउंड रहेगा। तो इस तरह से वॉल्यूम कंट्रोल इसमें दो तरह से की जा सकती है। जब हम पिन नंबर 5 से वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे तब हम ऑडियो सिग्नल इस पर नहीं दे सकते, फिर हमें ऑडियो सिग्नल भी सीधे पिन नंबर 25 पे ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये बताना ज़रूरी था कि इस रेडियो में दो तरह से वॉल्यूम कंट्रोल की जा सकती है। इस चटकने के दो स्विच जो उनसे ठीक ठाक हों, अच्छे काम कर रहे हों, उस पे लगा देना है इसको, ठीक जी। तथा दूसरा तार इसमें सोल्डर करके जब लगाना है इसमें, यानी ये तार चटकने के माध्यम से जब इस पर आएगा, बताता हूँ क्यों। तो दोस्तों ये तार लगाने के बाद अब हमें लेना पड़ेगा एक ऐसा लीड। पिछली वीडियो में सिरिंज का खोल लेकर इसकी जैक के कनेक्शनों पर तार लगा कर और इसमें गोंद भर कर, जैसे मैंने बताया था, इसे को रिपेयर करना, वही रिपेयर हुई हुई ये लीड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो ये जो दो पॉइंट हैं, एक और ये दो, ये शुरू के दो ग्राउंड कर लेने हैं। ये दोस्तों दिख रहे हैं आपको ये दो तार,
ये जो एक दो ये ग्राउंड हो गए एक जगह के ये वाले, और ये एक दो ये अलग अलग हो गए हैं, तो हमें इन अलग अलगों को करके इन पर क्या करना है, कनेक्ट करके जब भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से कनेक्शन करने हैं, इसका इसका पॉइंट एक होकर यहाँ आ जाएगा, ये अर्थ हो जाएंगे तथा तो ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट पे 330 के रेजिस्टेंस लग के एक जगह हो जाएगी। अब ये कहाँ लगेगी, ये तार तो लगेगा वॉल्यूम के यहाँ इधर की साइड में, इस लीड को इस सुराख में को निकाल लेना है, और एक इस तरह से गांठ भी बांध लेनी है जिससे कि अगर हम कभी इसको खींच चल लगे तो एक खींचना है, इस तरह से गांठ बांध लेनी है। ठीक जी, तो मैंने ये दो तार कनेक्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हो ये वॉल्यूम की इस पॉइंट पर कर दिया है, और ये अर्थ निगेटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रही थी तो मैंने ये सुविधा के लिए यहाँ कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कनेक्शन एक ही है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, छटकनी खोल ली, ये देखो। अब दोस्तों हमें इस छटकनी का क्या बेनिफिट मिला, अगर हम इसको यहाँ तले करते तो इसका जो रेडियो सेट है इसके सिग्नल भी इस एम्पलीफायर में पहुँचते, तो इससे हमने रेडियो के सिग्नल तो दिए काट, और हमारे मोबाइल के सिग्नल अब इसमें जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं, अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊं। तो ये मोबाइल है, टूटा फूटा जैसा भी है, ऑडियो तो इसमें है ही। इसे यहाँ से चटकनी ऑन करनी पड़ेगी, चटकनी ऑन करनी भूल गया मैं, वॉल्यूम देखो दोस्तों, माइक तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने रेडियो में मोबाइल की बैटरी और इस तरह से OX केबल फिट कर सकते हो। तो वीडियो इतनी ही थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो।